आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, मतलब आई मीन ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से। पिटबुल, एक मिनट है। आ पिट बो प्रॉब्लम क्या? एक्चुअली टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो। मैं और लाल नहीं हो सकता। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एंटरटेनमेंट बोले तो सिनेमा, yes. और स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड और बॉलीवुड की, इतना फर्क है उनके और हमारे काम करने के तरीके में। आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे हमारी फिल्मों की जो कहानी होती है, इसमें मेन फोकस होता है कि हीरो हीरोइन का प्यार कैसे हो, है ना, और उसके बाद लास्ट में अगर डायरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड हो, हीरोइन भी मान जाए, सब कुछ ठीक हो, तो एक आध किस, मतलब आजकल दिखा देते हैं, अदरवाइज पहले तो पुरानी फिल्मों में तो फूल मिलते दिखा देते थे, है ना, वो पीले वाले फूल। मैं बचपन में सोचता रहा था कि दो फूल मिल रहे हैं, इंसान का बच्चा कैसे हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस हुए ना, उसके बाद हमारी फिल्म में तो हीरो हीरोइन के ना फेस ऐसे पास मिलते दिखा देते थे, हाँ, नजदीक वहीं पे बंद, फिर ऑडियंस जो है बाकी फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालती थी। ऐसे ही हम 125 करोड़ नहीं हो गए। अच्छा इंग्लिश फिल्म में देख लो, इंग्लिश फिल्म में वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते, एक किसिंग किसिंग उनके लिए नॉर्मल है, वो तो ऑफिस जा रहा है, ओके आई एम लीविंग फॉर ऑफिस, या तो निकल जाते हैं। हमारे अब तो खैर इतना सारा एक्सपोजर हो गया, मतलब इतनी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब माहौल बदल चुका है अभी। पहले पहले तो कुछ एक दो ही इंग्लिश फिल्में पहुंच पाती थी हिंदुस्तान में देखने के लिए, और वो भी जो देखने जाते थे जरूरी नहीं कि उनको उनकी इंग्लिश आती थी, उल्टा जब वो देख के आते उनके दोस्त पूछते थे है कुछ फिल्म है कुछ। कहानी से कोई लेना देना नहीं इसको। आजकल तो हमारी जो फिल्मों में जो हीरोइन है वो भी बोल्ड हो गई है, मतलब कहानी की ऐसी आती है, आपने लुका छिपी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, उसमें लड़की खुद बोलती है मुझे लिव इन करना है, लिव इन रिलेशनशिप, बोल ऐसे कॉन्फिडेंस से रही जैसे एमबीए करना है, पापा मुझे एमबीए करना है। पहले बॉलीवुड में हीरोइन बड़ी लाज शर्म वाली होती थी अर्चना जी, जब लड़की का सीन होता था ना शादी वाला, जो लड़का देखने आते थे तो हीरोइन खंबे के पीछे छुप के सुनती रहती थी, और शर्म के मारे में ना 1.5 मीटर दुपट्टा चबा जाती थी अपना, है ना, और जैसे ही माँ बाप की नजर पड़ती थी लड़की शर्मा के भाग जाती थी। तो एक लड़की का बाप जो होता था वो मिन्नत वाले मुंह वाला जो है ना होता था ना, एक उसका एक ही डायलॉग होता था, लगता है राधा बिटिया शर्मा गई। अच्छा लड़की का बाप बाद बाद में पगड़ी भी उतार देता था, क्योंकि वो होता था ना सीन, अरे आपने जो वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है जो हजूर, दाम में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा वो इतना भोला होता था ना वो आदमी, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने बच्चे भी पैदा किए होंगे, मतलब बायोपिक का समय चल रहा है आजकल, आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, और ये लोग परमिशन भी दे देते हैं, इनको पता है बॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर हैं ये कम नहीं दिखाएंगे, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही दिखाएंगे। मिल्खा सिंह जी ने जब खुद अपनी बायोपिक देखी ना वो हैरान रह गए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने दौड़ बोर्ड के जो मेडल जीते, ये ऑस्ट्रेलिया जाके किसिंग वाला सीन मैंने कब किया था, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने बोला कि यार मेरे को तो पता नहीं था ये सीन भी है, अगर ये होता तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ ये सीन मैं खुद ही कर लेता, मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, होठ तो मेरे ठीक ही है। खैर अच्छी बात है, बननी भी चाहिए, हमारी जनरेशन को पता चले कि हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और ये सब जो अचीव किया। सो मैरी कॉम, MS धोनी, मिल्खा सिंह जी, वी लव यू। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो जासूसी वाली फिल्में होती है ना, इनके जासूस भी बड़े अलग होते हैं। हॉलीवुड के जासूस होते हैं ना सूट बूट पहना, जेम्स बॉन्ड टाइप, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे जासूस देखना भिखारी बन के जासूसी कर रहे होते है ना, उनके जासूस बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके अफेयर चल रहे हैं लड़कियों के साथ, हमारे जासूस ना विलन के अड्डे के बाहर ना नारियल पानी का ठेला लगा लेते हैं, साथ में नारियल रगड़ रहे हैं, फिर तरबूज काटेंगे उसमें से बॉकेट हो गई, राका निकल गया है।
उसकी बात मानने का भी नहीं दिल करता, चल निकल गया होगा चल। जब हॉलीवुड में जब हीरो जो है विलन के अड्डे पे जाता ना गुंडों को मारने, उसकी बंदूक के ऊपर वो लगा रहता है साइलेंसर, साइलेंसर वाला भी होता है, दूरबीन भी होती है, फिर भी निशाना लगा के पूरा टारगेट दिखता तब जाके गोली मारता है। आप हमारे हीरो देखना, एक तो पहली गल 6 गोली वाला पिस्तौल है, उसमें से 25-30 चला देता है वो, पता ही नहीं कैसे चला देता है। और इतना बड़ा अड्डा, कहीं से भी गोली चला, डिश्क्यों डिश्क्यों मचान से लोग करे डिश्क्यों, वो 50 गोलियां चला रहे हैं, 50 लोग एक साथ, इनको एक भी नहीं लगती। जैसे गोली चला डिश्क्यों ऐसे, तेरे को दिख रहा है गोली आ रही है, ऐसे कैसे कोई गोली से बच सकता है, अगर गोली आ इधर रही हो तेरे इधर लग जाए तो। लेकिन इनको एक भी गोली नहीं लगती क्योंकि इनके पास मां का आशीर्वाद होता है। और और आपको पता है बॉलीवुड में माँ का आशीर्वाद बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। माँ से याद आया, दुश्मन के अड्डे पे जब हमारी फिल्म में माँ बंधी होती है ना ऐसे करके, माँ को बांध रखा होता है सब, माँ जरूर ऐसा, तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे भी उठाने आ सकते, तू 2-4 दिन इधर उधर हो जा, है ना। और हीरो जब आता ना उसकी माँ बंधी हुई रस्सियों के साथ, पता नहीं कौन सी इसके बाप वाली गोली चलाता है, ये रस्सियां तोड़ देता, माँ भी छूट जाती है ना। ये कभी नहीं होता कि एक गोली गलती से माँ को लग जाए, तेरा बेटा कर, ये क्या कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता। हॉलीवुड में देखना आप कभी भी हीरो जब विलन को मारता है ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करते, वो सीधा आते हैं, ओह सही है, खत्म। हमारे आते भी हैं, उसके पास भी पिस्तौल है अपने, पूरा पूरा डिबेट होता है इनका, कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, इनको पता है कि अभी इनकी आपस में सलाह हुई होती है कि अभी गोली नहीं चलाएंगे, हमारा पूरा रिलैक्स होके आते हैं, जैसे हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सामने वाला बोलता है रोल भी आपने दिलाया, जैसे आप बोलो मारो आप, कोई चक्कर नहीं है, घर पे आ जाऊंगा। हमारे यहाँ डायलॉग बोलने का इतना शौक है ना, मरते मरते भी ना अपना डायलॉग पूरा करके जाते हैं। गलती से हीरो की माँ को गोली लगी ना, पूरा डायलॉग बोल के बेटा, हीरो चिल्ला रहा अरे कोई है, अरे कोई डॉक्टर, माँ बोली बेटा मेरा जाने का समय आ गया है, बेटा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। और जाते जाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल हाँ माँ, कौन माँ, बेटा तुम्हारे बाप का कातिल चेके है। जो फालतू की बातें सारी मां करके गई है, ये बात बहन का रखे गई, बहन का ध्यान, वो उसकी बहन है, तू पहले तो मुझे पता है गोली लग गई मरना है, मेन मुद्दे की बात बता कि बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके, जेके के बाद बोल बेटी वाली लाइन कि बेटा जेके तो हो गया, बहन का भी ध्यान रखना, ऐसे मरना तू, इंपॉर्टेंट बात, फालतू टाइम वेस्ट। और माँ भी बाद में फिर निकल, अच्छा माँ पे बड़ा GPS लगा होता है उसके दिमाग में भी, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती खटक खत्म। माँ को भी होता है मैं मरूं फिल्म खत्म हो, अगली फिल्म में आइटम डांसर बन के आऊं, क्या क्या रखा है इसमें। अच्छा हॉलीवुड की फिल्मों में ना कार चेजिंग के जो शॉट्स होते हैं वो पहले आउटडोर शूट करते हैं कि एक कार जा रही है उसके पीछे चेस कर, ये सब चलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अभी अभी जाके शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था इतना एक्शन, पहले होता था, पहले ना शूट करके रख लेते थे, पेड़ निकल रहे हैं और सड़कें पीछे पीछे फटाफट निकलती नहीं है, आपने तो उस दौर की फिल्में की भी है। अच्छा हीरो हीरोइन बैठे हुए हैं और म्यूजिक पेट होता था जो बता डंग 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 डंग। अच्छा पीछे से पेड़ तेज हो रहे हैं, पेड़ों की स्पीड ज्यादा है, तो हीरोइन बोलती थी और तेज चलाओ और तेज, वो आ गए हैं। अच्छा तेज कैसे जाता था, एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, स्टीयरिंग ऐसे से करता। अच्छा ये इससे कार तेज होती है, कार सीधी जा रही है, वो कहती और तेज, स्टीयरिंग के पास मुंह लेता था। अच्छा कमाल है, हॉलीवुड के टीवी सीरियल और हमारे बड़ा फर्क है, उनका बजट ना टीवी सीरियल का भी काफी रहता है। वो क्या करते हैं, अगर 400 आदमी की जरूरत है क्राउड का सीन शूट करना है तो 400 लोग लेके आते हैं, 450 लेके आएंगे, हमारे इधर 100 से काम चला लेते हैं। सपोज मुगलों की और राजपूतों का युद्ध दिखाना है तो पहले वो आदमी जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है वही बाहर के राजपूतों की तरफ से लड़ रहा है, भेद बदल के। हाँ कई बार तो ऐसा होता है किसी क्लोजअप लग जाता ना किसी का तो ए हटा इसको, 3 बार मुगलों की तरफ से मर चुका है, 1 बार राजपूतों की तरफ से मर चुका है, ऐसा होता है।
हॉलीवुड में देखना, अगर आप लड़ाई का सीन चल रहा है ना, 5,000 बंदा लड़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में है वो भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा है पूरा, है ना। हमारे इधर अपने वाले लोगों अपने शाने हैं, इनको पता है कि मेन फोकस तो आगे वाले लोगों पे ही है, तो वो पीछे अपना वो अपने इंजॉय कर रहे होते हैं। जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते होते हैं, अपनी नाभि खुजाते जल लड़ रहे हैं, ए नाभि खुजाते तलवार ली हुई हाथ में, ए तेरे को सना मिली थी क्या लोकल ट्रेन में। दूसरा वाला भी लड़ रहा है जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट, अरे क्या उसका बाप मेरे को क्या बोल रहा था ऐसे ही वो, उनका अपना चल रहा है पीछे। फिल्में जो हैं हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमने कभी कभी फिल्मों में देखी होती हैं, भले वो हेयर स्टाइल हो या कपड़ों का स्टाइल हो। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपने कभी फिल्मों से प्रभावित होकर कभी कुछ ऐसा अपनी लाइफ में किया है। जी यस ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर नाम है सैफान कुरैशी। ओके, अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। पिन कोड क्या है? 4578 87। जी कुरैशी साहब, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर आदित्य रॉय जो कपूर है, आरजे आदित्य रॉय जो कपूर नहीं, आदित्य रॉय कपूर ही है, आदित्य रॉय कपूर। हाँ जी जी, आशिकी 2 में जो उनका कैरेक्टर, जी जी, वो हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्ले किया था। अरे वाह, वो इम्प्रेस नहीं हो रही थी इसके, उसके बाद हो गई। तो उसके बाद तो फिर सर सुनिए ना उसको। किसको सुनूं? सीन को देखिए ना। अच्छा, आपकी बात। हाँ प्लीज जी। वहाँ पर हम उनके घर पे रात में गए चोरी छुपके से। अच्छा, हाँ ऊपर से चढ़े। कहाँ चढ़े ऊपर से? मतलब सर छत पे चढ़े, किचन में कूद गए डायरेक्ट। अच्छा, तो फिर वहाँ चढ़े, पाल के ऊपर बैठ गए। पाल क्या होता है? पाल एक वो दीवाल बनी होगी, दीवाल। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर बैठ गए बोतल लेकर। बोतल भी नकली होगी, उसमें जूस भरा हुआ था। अच्छा, लेकिन उसके सामने सर वो ड्रिंक थी। अच्छा, उसको हमने ऐसा एक नहीं होने दिया कि ये नकली है, ये असली है। वाह, आपको तो दादा साहब फालके अवार्ड मिलना चाहिए आपने। अच्छा, फिर उसके बाद सर फिर वो हमने एक्ट किया उसको पीते पीते, और बताया कि आज या तो हम इसे छोड़ देंगे या फिर देखो हम छोड़ दे। ये तो सेम ही बात हुई, इसको हम छोड़ देंगे बोतल। अच्छा, या तो दारू छोड़ देंगे या तुम्हें, या तो फिर तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद सर उन्होंने फिर हमके नीचे बुलाया और हम गले लगा लिया। हैप्पी एंडिंग। चलिए शुक्रिया कुरैशी साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है, और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। सर काफी सारी मूवीज तो रियल लाइफ पे बनती है, पर मेरी लाइफ का घटना पहले हुई और मूवी बाद में बनी। अच्छा जी, तो सैराट मूवी जो हुई है, आई थी, तो आई एम द रियल लाइफ आर्ची। अच्छा जी, लड़का लेके भागी थी। वाह क्या बात है। बकायदा गाड़ी में बिठा के लड़के को भगा के पंडित के यहाँ लेके गई है, शादी करवाओ। वाह, पर जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती नहीं, झगड़ा हो गया था, अभी 4 साल हो गए, तो बहुत टाइम पास कर रही, शादी कब करेगी, बोले चलो निकलते। शादी वादी कर ली, पंडित जी भी फेरे वगैरह सब करवाए, उनको जल्दी करो जल्दी, मैडम इतनी जल्दी क्यों, ऑफिस भी जाना है। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप मैम? नासिक से। अच्छा, नासिक से हैं। हस्बैंड आए आपके साथ में? नहीं सर, वो घर पे बच्चे संभाल रहे। तो ये कितने साल पहले की बात है? सर जाने दो ना, अभी क्यों याद दिलाते। पर एक्चुअली जो आपने कहा कि मेरी लाइफ में जो हुआ उस पर फिल्म अभी बनी है, लेकिन हाँ उसमें सर आर्ची का नाम अर्चना पाटिल होता है, मेरा नाम माधुरी पाटिल है। अच्छा जी। क्या बात है पाटिल साहब। मैं भी बुलेट उलेट चलाती थी, ट्रैक्टर ट्रक सब चला लेती हूँ। अच्छा जी। वाह क्या बात है। ये जो फिल्में होती हैं ये एक्चुअली तो रियल लाइफ में से इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं में से बनती हैं। लड़का लड़की को प्यार होता है, फिर कोई ना कोई विलेन होता है लाइफ में। पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं राजीव कुमार और मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। अच्छा जी। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गाने हैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा जी। गाने इतना एक्सपायर करते हैं कि क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं? नहीं नहीं, एक्सपायर नहीं, एक्सपायर। मैं आपको देख के बहुत कंफ्यूज हो गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, बहुत पुराना ड्रीम था जो आज पाया आपके सामने। सो स्वीट यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, ये होता है कंफ्यूज, अपना लगा हुआ ना ऐसे फोकस रहने का लाइफ में। हाँ। कोई लेना देना नहीं इस आदमी को। इतना इंस्पायर करते हैं कि तो फिर मेरी जिंदगी में मैं ऐसे गाना सुनता हूँ जो एक मैं सलमान खान जी को लाइक करता हूँ। मैं मुंबई में, मेरा सेकंड डे है। अच्छा। हाँ जी, मैं कल ही मुंबई आया हूँ।
घूमने आऊं, साइकिल से आया हूं। साइकिल से आए? वाओ, अच्छा, तभी इतने पतले हो। साइकिलिंग इज माय हॉबी। व्हाट यार, ये साइकिल जो है वो आम नहीं है, मैंने खुद तैयार की है। साइकिल भी खुद बनाई है? यस। वाह यार, क्या बात है। मेरा लिम्का बुक इंडिया बुक और यूनिक वर्ल्ड का नाम एंटर हो चुका है। जॉनी क्रिएशंस, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर, वाह, चंडीगढ़। साइकिल भी आपने खुद बनाई, लाइट भी है इस साइकिल में, ये देखिए आप। थैंक यू यार। यार ये आपने इतनी अच्छी बात करी ना, साइकिल ना लुप्त होती जा रही है। हाँ। साइकिलिंग करना इतनी अच्छी बात है, मतलब अगर आपको, मतलब मैं खुद शुरू करने वाला हूँ, मैम मुझे ये लगता है कि अगर घर से अपने फिल्म सिटी आना है शूट करने तो साइकिल पे आऊँ। चल मैं मडालन से आऊंगी और तू अपने घर से आना। आप तो सदियों से साइकिल पे ही आ रही हैं। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, घर से ऑफिस तक आना, आप चंडीगढ़ से आ गए यहाँ तक। यस सर। पर क्या मतलब, क्या मकसद था आपका उसके पीछे? सर मुझे एक तो आपके शो में आना था। सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर। एक एम ये भी था मेरा, जो मैसेज हम आपको बताने लेके आए, साइकिल टू वर्क सेफ एनवायरनमेंट। हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे साइकिल यूज करने में आजकल शेम समझते हैं जी, और बड़ों से भी ये अपील करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है अपने व्हीकल छोड़ के साइकिल पे जाएं। बहुत अच्छी बात है। पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा और उनकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके यार। थैंक यू। बात आपने बड़ी अच्छी की है कि साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, साइकिलिंग जो है बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा अर्चना जी, कुछ लोगों में शफा होती है, पता है वो किसी को हाथ लगाएं तो उसकी बीमारी गायब कर देते हैं। आपको पता है आप में भी एक शफा है? हाँ, अब तो बोलेगा हाँ आप में शफा है, आपने सिद्धू को गायब कर दिया ना। नहीं नहीं, शफा नहीं, वो तो षड्यंत्र हो गया ना। नहीं, शफा आपके ठाकों में अर्चना जी, आप जिस भी शो में जाके ठाके लगाती वो हिट हो जाता है। एक बार अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां। लव यू अर्चना जी। अच्छा ऐसा बोलते हैं, जो लोग उल्टे पैदा होते हैं ना, हाँ? वो किसी को लात मार के उसका कमर दर्द ठीक कर देते हैं। रियली? हाँ, मेरा सगा भाई हुआ उल्टा पैदा। हाँ? हमारे, हाँ, इसमें क्या बात है। अच्छा? हाँ, तो वहाँ बड़े लोग आते थे उससे ठीक करवाने। हाँ? पर मैं मानता नहीं, मुझे लगता है कि यार ऐसा अगर होता तो ऐसा तो हर चौथा आदमी एक दूसरे के लात ही मार रहा होता। डॉक्टर तो MRI के लिए बोलते नहीं, बोलता चार लाते सुबह खानी, चार शाम को खानी आपको। साउथ में एक जगह है जहाँ पे लोगों के दमे का इलाज किया जाता है। हाँ। बोलते हैं कि जिसको दमा है उसके मुंह में जिंदा मछली रख देते तो दमा ठीक हो जाता है। या, कई वेजिटेरियन लोग आते हैं, पता है दमा ठीक होना हो मछली की आदत पड़ जाती है उनको। अच्छा कुछ लोगों को शफा नहीं आती लेकिन वो टोटके बड़े बताते हैं। हाँ। कि अपने घर के बाहर आप घोड़े की नाल लगा लो, आपका धंधा चल पड़ेगा। अच्छा हाँ। इनका धंधा चले ना चले लेकिन जिस घोड़े की नाल निकाल के लाते ना वो बेचारा टेढ़ा चलना शुरू हो जाता है। घोड़ा भी सोचता है कि अगर मेरी नाल लगाने से तुम्हारा धंधा ठीक चलता तो मैं इधर खड़ा क्या टोंगा खींचता। कुछ लोग शफा के नाम पे फर्जी बाबा बन के घूमते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। हाँ। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक आसाम में एक बाबा थे, वो किस करके बीमारी दूर करता था। हाँ हाँ, बड़ी सारी औरतों को ऐसे किस करता था वो। मैंने नहीं सुना। हाँ, फिर बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, उसकी चुमियां ले रही है। अच्छा बाबा का पैटर्न ना पहले डिफरेंट था। हाँ। जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द हाथ चूम लेता था। अच्छा। माथे पर दर्द तो माथा चूम लिया। हाँ। एक आदमी ने बोला बाबा मेरे को पाइल्स है। फिर नहीं बाबा मिला। अर्चना जी, आज मैं शफा की बात इसलिए कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि आज फिल्म खानदानी शफा खाना की स्टार कास्ट हमारे शो पे आने वाली है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा दबंग गर्ल, हम सब की फेवरेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। सारी दुनिया दीवानी है मैं क्या करूं, बड़ी जालिम जवानी है मैं क्या करूं, सारी दुनिया दीवानी है मैं क्या करूं, बड़ी जालिम जवानी है मैं क्या करूं, कोई कहे दिल में हारा, कोई कहे मैं उधारा, लैला है अकेली, हाय मजनू हसा, अखियां ना मार तो अखियां ना मार, अखियां ना मार दिल पे होगा सीधा वार। सोनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है खानदानी शफा खाना, वाकई बिल्कुल अलग हटके है,
हर कोई डेयरिंग नहीं करता ऐसी फिल्म करने की. सोनाक्षी, ये चैलेंज आपने क्या सोच के लिया है, किस बारे में है फिल्म? एक्चुअली जब ये वन लाइनर सुना था ना मैंने फिल्म के बारे में, मुझे आए थे अमरीक और शिल्पी मेरे पास और कहा था कि ये एक फिल्म है जिसमें एक लड़की है और वो सेक्स क्लिनिक इनहेरिट करती है अपने मामा जी का. अच्छा. तो पहला थॉट मेरे पास आया, हेलो आपने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देता, मैं तो फैमिली फिल्में ही करती हूँ. हाँ. मेरे पास ऐसी फिल्म लेकर क्यों आ रहे हो आप भाई. तो मैंने फिर स्क्रिप्ट पढ़ी तो इट टॉक्स अबाउट अ फ्यू वेरी रेलेवेंट टॉपिक्स, तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्म तो करने ही चाहिए. बहुत अच्छी है. ये जो आप बोल रही हैं बिल्कुल सही बात बोल रही हैं कि जो हम लोग घबराते हैं या ये कह लो कि हम लोग ये जो डबल स्टैंडर्ड होता है हमारा, हम लोग छुप छुप के ऐसी बातें करते हैं, इन सब चीजों का ये बाबा लोग बड़ा फायदा उठाते हैं. और हमारे फिल्म में भी है एक बंगाली बाबा. अच्छा. हम पीछे बैठ के सुन रहे थे, एक एक्चुअली है हमारे फिल्म में दिखाया गया, एक फ्रॉड आदमी ऐसा जो बैठ के दवाइयां बेच रहा है. एक्चुअली होता है और बड़े लोग बेचारे जाते हैं छुप छुप के ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं. अब फिर भी समय थोड़ा सही हो गया है. पहले एक साथ जब लोग टीवी पे बैठ के एकदम फिल्म देखते थे, पहले कोई रोमांटिक सीन आ जाता था ना तो पहले तो एक ही टीवी होता था घरों में, सारी फैमिली बैठ के देख रही है और ऐसा एक थोड़ा हल्का सा भी रोमांटिक सीन आ जाता था ना तो एकदम से ऐसा लगता था जैसे बिना बताए बम फोड़ दिया किसी ने. हाँ, बच्चे तभी की बात करो, अभी भी कोई ऐसे सीन आ जाए तो हम तो ऐसे आके बंद कर लेते हैं मम्मी डैडी. ऐसे होता है नहीं, पहले ये पहले क्या होता था ऐसे रोमांस के नाम पे दो फूल दिखा देते थे. हाँ, तो मैं बड़ी देर बचपन में ट्राई करता था कि दो फूल ऐसे मिलेंगे तो शायद. अच्छा, ऐसा भी कुछ सीन आता था बच्चे तपाक से बैठ के नीचे घुस जाते थे. हाँ. और ताऊ जो ऐसे पूरा पैर चटा के पूरा देख रहा होता था टीवी, वो एकदम छूट रहा चप्पल कहाँ भाई. औरतें निकल जाती है, हाय मेरा दूध उबल गया होगा. फंसता आदमी तब था जब बच्चा बैठ के नीचे से कहता था पापा सीन निकल के आ जाओ. एनीवे सोनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए. सोनाक्षी बड़ी प्यारी लग रही हो आप. थैंक यू. आपको पता है सोनाक्षी आपका एक और नाम रखा हुआ लोगों ने, क्या? सेल्फी क्वीन. बहुत सारी सेल्फी डालती है, इनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 10 सुबह लेनी है 10 शाम को लेनी है और 4 खाना खाने के बाद. अब भगवान ने शक्ल ऐसी दी है तो सेल्फी लेना. यस, मेरी गलती नहीं है. अच्छा सोनाक्षी, ऐसा भी होता है ना कभी कोई सेलिब्रिटी कोई अपनी फोटो डालता है तो नीचे कुछ ऐसे वेले लोग होते हैं वो अपने कमेंट्स करने आ जाते हैं. कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बहुत होते हैं. एक्चुअली बहुत ही ज्यादा. ये कभी डायरेक्ट बहस हुई आपकी, किसी को जवाब दिया आपने कभी? एक बार हुई है बट आई थिंक उनको यही चाहिए कि हम उनके साथ बहस करें. सो इट्स नॉट वर्थ इट. तो इट्स नॉट एक्चुअली नॉट वर्थ इट. तो पहले मुझे बहुत ये लगता था कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया मैं, तो फूल ना एकदम दबंग जाके दो तीन मुक्के मार ही दूं वहीं पे. तो पहले करती थी मैं बट अभी नहीं करती. एक अकाउंट बनाओ किसी और नाम से. हाँ. और उसकी जाके फिर करो पूरा. फिर मेरे एक दोस्त है सिंगर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ मिका. उसने बनाया हुआ है एक अकाउंट पता नहीं किस नाम से. उसको फिर जो कोई ऐसे कोई गलत कमेंट करता ना वो फिर भगवान ही जानता है या फिर वो जानता है कि वो क्या क्या लिखता है उसको. सो अब बारी है खानदानी शफाखाना से एक और अहम किरदार को यहाँ पे बुलाने की. इन्होंने अपने रैप से हम सबके दिलों पे तो राज किया ही है. इस फिल्म से ये अपना एक्टिंग का डेब्यू करने जा रहे हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हम सबके फेवरेट किंग ऑफ रैप सिंगर बादशाह. वो ये मैं अभी गर्म हुआ था, मेरा डांस निकलने वाला था. एक बार बादशाह के लिए जोरदार तालियां. बाजी क्या किलर लग रहे हो आप यार. पाजी ये इतने खूबसूरत इतने क्लासी कपड़े कहाँ से लाते हो? हमें हमारे ये बेस्ट है. हमारे दा बेस्ट कपड़े हैं ये. तो सोचो नॉर्मल कैसे होंगे हमारे. ये कहाँ से लाते हो पाजी? मेरी शॉपिंग कराओ यार किस दिन. भाई कुछ नहीं, साइज थोड़ा खुला ले लेता हूं. ये जैसा शॉपिंग करता ना कोई नहीं करता लाइफ में. लड़कियां भी नहीं करती ऐसी शॉपिंग. कहाँ से? हर जगह से. अच्छा, बीमारी है भाजी. कभी आपने वहां से शॉपिंग की? मैंने एक बार वो जलंधर स्टेशन के पास होती है एक, वो ऐसे ना मैंने सुना था, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, बोलते हैं अंग्रेज एक बार पहनते फिर इधर भेज देते हैं. पुरानी बात है. दो सौ रुपए की जैकेट मिलती है. हाँ, वो ना ऐसे बड़ा चारपाई लगी होती है. सोनाक्षी आपको, आप तो मीर घर से. तो वो ना इतनी ढेर. स्टेशन गई हूँ वहां पे लेके जाऊंगा आपको कभी देखना आप क्या वैरायटी मिलेगी आपको. बड़े बड़े ब्रांड फेल तो इतनी ऊपर ना ढेरी लगी होती है तो उसमें आपको बस मुंह पे रुमाल बाल के ऐसे घुस जाना है पूरा और अंदर से निकाल निकाल के लाओ. मतलब 250 रुपए में अच्छी अच्छी चीजें बड़े बड़े मिलते थे. पर वो बड़ी मेरा जाना किस दिन शॉपिंग करने ना. किस दिन छुट्टी लेके चलते. पर खैर बादशाह बाजी के लिए जोरदार तालियां. आइए बाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
पाजी आप अच्छे खासे सेहतमंद हो, ये खानदानी शफा खाना में कैसे आया आप? मतलब आप इतने समय से स्टार हो आप, बताओ बताओ। तो बहुत सारी फिल्में आपको ऑफर हुई होंगी, यही फिल्म आपने क्यों चूज की? एक स्क्रिप्ट बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही सही स्क्रिप्ट है, मतलब जो पहले थी वो भी अच्छी थी, बट इसमें था कि सोनाक्षी थी और बात खत्म ना वहीं पे। बात तो और चूचा था और मृग सर हैं, शिल्पी मैम है, तो फैमिली थी, तो मुझे लगा अगर कोई डेब्यू में गलती वलती हो भी जाए तो सोनाक्षी है तो कह दूंगा यार एक और शॉट ले ले, कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा बहुत कंफर्टेबल डेब्यू हो जाएगा। अपने गानों पे जब आपको एक्ट करना था तब तो पता है अपना गाना बज रहा है और आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब डायलॉग बोलना होता है नर्वस हुए थे आप? भाई फिल्म से ज्यादा मैं आज नर्वस हो रहा हूँ, पता नहीं। भाजी यहाँ पे तो आ चुके हो आप पहले भी, भाजी आपका तो हाँ, मैं हमेशा शो देखता था तो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह आते थे, मैं कह रहा बड़ी चीज है, तो आज आज आप भी आए हो, फिल्म थोड़ा फील हो रहा है। अच्छा पहले गूगल पे बादशाह टाइप करते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी की खबरें आती थी, बादशाह अकबर की आती थी, आजकल यही दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों से पूछ लो ना किसी बादशाह के बारे में चार लाइनें लिखो तो वो इनके बारे में लिखने लगते हैं। बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, ये हिंदी हरियाणवी और पंजाबी में रैप बनाते हैं। भाजी ये आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया बड़ा आम आदमी टाइप नाम है, आई मीन ये इससे बादशाह कैसे बने फिर आप? शाहरुख जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो शाहरुख सर, जब मैं अपने लिए स्टेज नेम ढूंढ रहा था हाँ, तभी वो बादशाह फिल्म आई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि ये नाम रख लेता हूँ। वेरी नाइस। एक्चुअली अगर बुरा नाम वो यूज करते तो वो गाने में जिसमें आप कहते हो वैसे तू हो बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दूं, तो वैसे बोलते वैसे तू मैं आदित्य प्रकाश सिंह से सो दिया और मीटर से बाहर चला जाता। वेरी नाइस भाजी, नाइस। बादशाह बहुत ही क्यूट है और बहुत ही प्यारे आदमी है और इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और बादशाह एक छोटी सी बेटी के पापा भी हैं। पापा जी जब आपके बेटी हुई तो आपने ऐसे बादशाहों की तरह ऐसे कहा था कि बादशाह खुश हुए, चेन उतार के दी थी जिसने आपको खबर सुनाई थी ये वाली? भाई मैं बहुत पहली बार हो रहा था तो समझ नहीं आ रहा था तो जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना भाई, हालांकि मेरी बेटी है बहुत प्यार करता हूँ, तो समझ सा नहीं आता कि मतलब मुझे हाँ। समझ नहीं आया, मतलब मैं बिल्कुल सुन हो गया था उस टाइम, मतलब मैं दो मिनट तक मुझे हिलाते रहे कंग्रेस में कि यार ये मतलब ये मैंने बनाया इतना आज तक की सबसे बेस्ट क्रिएशन एक्चुअली। हाँ तो मैं सुन अभी अभी कितने कितने साल की होगी? ढाई साल की होगी। ढाई साल की होगी, अभी तो बातें बातें करनी शुरू की है उसने। हाँ भाई बहुत, आपका शो बहुत देखते हो भाई। हैं बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट है, अच्छी चीज को पसंद करते हैं। अच्छा हम सबकी लाइफ में जब पहला पेमेंट मिलता है हमें तो हम सब बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। सोनाक्षी के बारे में हमने सुना कि जब इनको पहला पेमेंट मिला था शायद 3,000 का चेक जी, तो इनकी मम्मी ने उसका फोटो फ्रेम लगा के लगा दिया really? था। है सही बात है? हाँ जी सही बात है। तो बींगे सिंधी उनको लगा नहीं नुकसान हो गया, पहले कैच करा लो। 3,000 का चेक कहाँ से मिला? मैं कॉलेज के थ्रू एज अ वॉलंटियर गई थी फैशन वीक में और मेरा काम था लोगों को सीट पे बिठाना, वो टिकट देके बता देना। मिले थे आपको? 5 दिन के 3,000 मिले थे। इट्स रियली ओके। एंड मुझे सलमान खान वहीं पर दिख गए और उन्होंने वही मुझे कहा था कि तुम वेट्स लूज करना शुरू कर दो, तुम्हें मैं फिल्म में डालूंगा। पहली पे आपको 3,000 नहीं, पहली पे आपको फिल्म मिली थी। हाँ, सीधा सलमान खान जी के। अर्चना जी जब आपको पहली पेमेंट मिली थी, अच्छा तब इंडियन करेंसी आ गई थी कि मुद्राएं चलती थी? नहीं मैं ऐसे ही नहीं, काफी मतलब अर्चना जी सीरियस, आई लव यू अर्चना जी। अर्चना जी आपने क्या किया था, आपने क्या किया था पहली पेमेंट का? 100 bucks, 100 rupees। 100 rupees एक एड फिल्म के लिए। 100 rupees बस? उसमें ओम, अरे मैं साइड में खड़ी थी। अच्छा साइड में, ओमपुरी वाज द मेन दिस थिंग। और 10 साल बाद ओमपुरी के साथ मैंने एज अ लीड हीरोइन किया था बाद में। वाह, मुझे भी 200 rupees मिले थे भाई। आपने आपने क्या किया था भाई? मैं गिप्पी पाजी की एल्बम में रैप किया था, मैंने उनको पता नहीं है। गिप्पी ग्रेवाल। हाँ। अच्छा 200 rupees बस? कब की बात है ये? 2005-06 की बात है भाई। तो सबसे मतलब हाईएस्ट पेड तो फिर सोनाक्षी के बाद मैं ही हूँ। सोनाक्षी का 3,000 था, मुझे 1,500 मिला था। किस चीज के लिए? मैं फैक्ट्री में काम करता था। बट क्या काम था? What? वो कपड़े की प्रिंटिंग होती है ना, जैसे आप लोग ये पहनते हो सूट। हाँ। तो इसके ऊपर प्रिंटिंग, तो ऐसे वो एक डाई होती है। हाँ। उसमें आप पेंट डालना करना और पूरा प्रिंट छप। हाँ। जाता है जैसे ये। अच्छा। हाँ, बड़े मैंने कपड़े छापे हैं। अरे अब तो नोट छाप रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का।
अच्छा मैं यहाँ पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सब लोगों को भी पहली पहली पेमेंट कभी मिली होगी। जी भाई साहब। मैं एक्चुअली सिंधी हूँ तो मेरे को नौकरी करनी नहीं थी, ये मेरी बीबी है, पहले गर्लफ्रेंड थी, चाह रहा था ये बीबी बन जाए। अच्छा। तो इसने जिद किया कि पहले नौकरी करो तभी घर में बताऊंगी, इसके पापा सब ऑफिसर वगैरह हैं। अच्छा। तो अब इसको नौकरी भी बतानी थी तो मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। इसने बोला कितनी सैलरी है, क्योंकि पैसे वाले थे तो मैंने 50,000 बता दी और मेरी थी 9,000 रुपए। अब वो डे वन से -41,000 तो चल ही रहा था, पता इसको एक्सपेक्टेशन 50,000 की, मेरे बाप को 25 अलग बता चुका था। तो अच्छा, अपने पापा को 25 बताया था आपने? के बाप को 50 बताया, थी 9। अच्छा। माइनस माइनस माइनस, इतना माइनस हुआ, 50,000 की गिफ्ट इसको दिलवाए, पापा को भी थोड़ा बहुत शर्ट वर्ट दिलवा दिया, आज तक माइनस में ही चल रहा हूँ मैं। तो कब कब बताया आपने इनको कि वो झूठ बोला था मैंने? अभी आपके सामने। एक अच्छी बात ये हुई अर्चना मैडम, क्योंकि ये पैसे वाली है तो किस्त में वापस आ रहे हैं पैसे मेरे। इनसे पैसे ले रहे हो आप? हाँ, तो क्या होगा बीबी ये? वैसे इक्वालिटी के टाइम में इट्स ओके। आप कहोगे तो आपसे भी ले लूंगा। भाई मैं किसी और की बीवी हूँ, मैं उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? तो आप भी ये जॉब करती हैं? आप क्या करती हैं? जी मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, वाह, सीए है वाइफ आपकी। हाँ, क्या बात है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, अब तो सैलरी ज्यादा हो गई होगी। अब नहीं तो? अब मैंने फिर नौकरी छोड़ दी शादी के बाद, वापस धंधा ही किया। करना तो बिजनेस ही था ना मेरे को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। थैंक यू सर, शुक्रिया। कहाँ से आया, मुंबई से ही है? नहीं, भोपाल से आया हूँ। अच्छा, एक तकलीफ ये है कि इसकी नौकरी बॉम्बे में लग गई है, तो शनिवार इतवार इससे मिलने आता हूँ भोपाल। अच्छा, और आप भोपाल में अकेले? हाँ, मैं खुश हूँ वहाँ पे। अच्छी बात करता है ना, इंटरेस्टिंग बात करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहित शेवानी है। बड़ी चटपटी बातें करते हैं। हाँ, ऐसे एंटरटेन करते हैं आपको घर पे भी, यही इधर ही कर रहे हैं? हर कहीं एंटरटेन करते हैं। मतलब ठीक निकला बंदा। हाँ। चलिए। हाँ, बहुत अच्छी लगी बात रही है। बहुत खुश हो। हाँ, वो लगी रही है ना, क्योंकि आप मतलब है, क्योंकि शनिवार भी है ना। हाँ, आप आए हुए हैं। हमने होटल भी बुक किया हुआ है। होटल क्यों बुक किया हुआ है? क्योंकि ये पीजी में रहती है और 6 लड़कियां रहती हैं। अच्छी बात है, तो उधर जाकर मेरे को नहीं जाने देते ना। अच्छी बात क्या है, आप तो 6 लड़कियां सुन के अच्छा लग रहा है आपको। चलिए, बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर। क्या मजेदार बातें करते हो आप। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। हाँ जी, और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे विशेष वार्तालाप करना चाहते हो? जी भाई साहब। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राज सिंह है। एक्चुअली जब मैं पहली बार अपने घर से लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा जी। तो एडमिशन लेने के बाद थोड़ी सी सिचुएशन टफ थी मेरी, तो उस समय मेरी एक फ्रेंड बन गई जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। किस मामले में? पैसे के मामले में, मोटिवेशन के मामले में। अच्छा, मोटिवेट। तो पैसे होते नहीं थे तो मैं जॉब भी ढूंढता था, तो जॉब ढूंढता था तो जॉब मिल नहीं रही थी, तो उसने बोला कभी ना कभी मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने काफी मोटिवेट किया मेरे को। तो और उसने आप ही को मोटिवेट क्यों किया? मैं रीजन जानना चाहता हूँ। उसने मेरे को एक्चुअली मोटिवेट इसलिए किया क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी अच्छी हो गई थी, मैं भी मोटिवेट करता था, उसने मेरे को मोटिवेट किया। हमें नहीं कोई मिला मोटिवेट करने वाला। तो मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट डे जॉब मिल गई, एक जगह में गया। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई। मोटिवेशन की वजह से मिली जॉब। हाँ। तो ये मोटिवेशन आपको कहाँ देती थी, कोई जगह थी प्रॉपर कोई? वो जगह लखनऊ यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं पढ़ता था, वो जगह वहीं थी, तो उधर ही मोटिवेशन लेते थे आप। उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई, तो मुझे पहली सैलरी 3,500 मिले, उसमें से 500 मैंने उसको दिया, मोटिवेशन का बिल। तो मेरी फर्स्ट सैलरी का 500 मैंने उसको दिया, और उसने वो इतना इंप्रेस हुई कि मैंने मतलब फर्स्ट सैलरी उसको दिया, और बाद में वो मेरी वाइफ बन गई, तो आज वो मेरी वाइफ है। आपके साथ आई आपकी वाइफ? साथ नहीं है क्योंकि मेरा 2 साल का बेबी है और यहाँ बच्चा अलाउड नहीं है, तो मैं छोड़ के। तो बेबी आप संभाल लेते, उनको भेज देते। नहीं, मैंने सोचा पहले मैं होके आता हूँ, बाद में तुमको भेजूंगा। मोटिवेशन आधी आधी, बच्चा वो अकेली संभाले। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुक्रिया। थैंक यू। जैसे एक फिल्मी कहानी, दिलकशी का ये सफर है, दिल कहे करूं छेड़खानी।
Come on, yeah. But, एक मिनट इसका मेरे को जरूरत नहीं है ये रखो. Yeah. एक कपूर शर्मा तुम क्यों खड़ा हो गया यार. तुम्हारा खड़ा हो सकता है ऊपर तो हमारा खड़ा. मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है यार और बनता भी है. या या बनता भी है. या या ब्रो लाइक मेरे को सब में यकीन ना हो रहा. आई डू बिलीव दिस मतलब बैड बॉय बादशाह सोनाक्षी सिन्हा इतना बड़ा बंगला बड़ा गाड़ी वाला लोग तुम्हारा इधर आता है यार कपूर शर्मा. कुछ तो बात होगा यार तुम में. ए काम करो यार मेरा इनसे वो कराओ ना वो क्या बोलता है यार उसको वो जो एग्जाम में जब चीटिंग करता है पेपर पे लिख के लेके जाता है वो क्या होता है पर्ची. हाँ मेरा इनसे पर्ची कराओ ना. अरे पर्ची नहीं परिचय. तुम्हें ज्ञान क्यों पेल रहा है करा दो ना यार. बादशाह जैसे आप डीजे वाले बाबू हैं ये पीजे वाला बाबू है. ये तो तुम मेरा परिचय का दुर्गति निकाल दिया यार. आप रहे ना दो मैं खुद करेगा. सर मैम मैं अच्छा यादव है. मैं बच्चा यादव इधर एक है पहला मैं उसका भाई. अब मैं लंदन से आए है. लंदन से आए तो आपका अमेरिकन एक्सेंट क्यों है. इट्स नॉट लाइक दैट. I got English also. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. So now what है कि मैं आपका फिल्म का ट्रेलर देखे आप उसमें डॉक्टर है. Kind of. मैं बताता हूँ मेरे को प्रॉब्लम क्या है मैम. क्या होता है मैं जब भी धूप में बाहर जाता है ना मैं लीक करता है. सही नहीं धूप में खड़ा रहता है मैं तो पूरा इधर बॉडी बॉडी में पानी पानी लीक करता है. मैं अबे लीक नहीं करता है पसीना आता है आपको. उसको पसीना कहते हैं. वो नॉर्मल होता है बिल्कुल. पसीना. और मैं आज तक सोचता रहा कि मैं पंचर हो गया है. My bad. वैसे मैं सोनाक्षी जी साउथ इंडिया में आपका एक फिल्म आया था लिंगा बोल के. आज का दिन में आपको शायद पता नहीं होगा आज का दिन वो श्रीलंका में रिलीज हुआ है लेकिन वो लोग नाम चेंज किया वो लोग मलिंगा रख दिया. ये तो कुछ भी ना है शुक्र मनाइए कि आज रिलीज हुआ कल होता तो कलिंगा रख देते. हम सब कलिंगा कैच कैच के खाते. अच्छा गेस्ट से ऐसे बात करते हैं. तुम्हारे लिए गेस्ट होगा यार मेरे लिए मित्रू जी का बेटे आए है. मित्रू जी का नहीं शत्रु जी का. तुम्हारे लिए शत्रु जी है मेरे लिए मित्रू जी है यार वो. मेरे से जब भी मिलता है वो उनका बदायूं का लल्ला निकल जाता है. और मैं अर्चना जी आपके बारे में भी वो पूछ रहे थे. अच्छा क्या पूछ रहे थे. पूछ रहे थे वो चापड़कंची कैसे आए. ऐसा वो पूछ रहे थे आपके. झूठ बोल रहा तू बड़ा जानता शत्रु जी को. वो अच्छी तरह जब भी मित्रू जी लंदन आते है मैं उनके घर पर ही रुकता है. तू बेवकूफ है. वो लंदन जाएंगे तो तेरे घर में रुकेंगे ना. नहीं मेरे घर कैसे रुकेगा मैं तो ब्रिजवासी है ना. अच्छा मथुरा में रहते हो. नहीं नहीं मैं लंदन ब्रिज का नीचे रहता है. लेकिन मैं जब भी मित्रू जी आता है मैं उनके घर पे रुकता है. जब भी कभी शिल्पा शेट्टी लंदन आता है मैं उनके घर पे रुकता है. तुम भी आओ यार लंदन मैं तुम्हारे घर पे रुकेगा. कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं इतना सारा रुकेगा तो मैं चलेगा कब. वैसा लेकिन बादशाह जी आपसे एक सवाल था. सवाल था. मैं पूछना चाह रहा है कि आप अपना माता पिता का दूसरा बच्चा है ना. क्यों. क्योंकि पहला शाह होगा उसके बाद ही तो बादशाह होगा. बादशाह. लेकिन सच में सर आप शाह हैं. आप शाह हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल गुजराती लगता नहीं. हर शाह गुजराती थोड़ी होता है. वो तो मेरे को मालूम है हर शाह गुजराती नहीं होता. हर शाह तो बोगले होता है. लेकिन सर मैं आपको बता रहा है मैं आपका फिल्म देखा बादशाह. मेरा अचंबा निकल गया यार देख के. मैं हूं नहीं उसमें. नहीं नहीं और इंटरवल के बाद तो मेरा भौचक्का निकल गया. और धीरे धीरे पूरा फिल्म निकल गया. पर आप आया है ना इस फिल्म में. वो इनकी फिल्म नहीं है वो शाहरुख खान की. शाहरुख खान. शाहरुख. अभी तुम ये बोलना नहीं कि वो भी गुजराती नहीं है शाह. नहीं है वो गुजराती नहीं है. तुम तो अभी बोल देगा नसरुद्दीन शाह भी गुजराती नहीं है. तो नहीं है.
ये सब शालों गुजरात क्यों छोड़ दिया है? ये चल क्या रहा है? ए, अच्छा क्या फालतू बातें कर रहा है? मैं बहुत बिजी आदमी है यार, फालतू बात करने का टाइम है नहीं मेरे पास। देखो मेरा फोन भी बज रहा है, एक मिनट रुक। ए, देखो पिटबुल का फोन आ रहा है अमेरिका से। पिटबुल? एक मिनट। हाँ पिट बो। अरे बोल ना यार, मैं सुन रहा है क्या? बुल, तुम्हारा बुल में दर्द हो रहा है? बुल को दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, बादशाह जी का एक गाना आया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, वो उनको सुनाओ, हो सकता है तुम्हारा बुल को चुल से प्यार हो जाए, फिर तुम्हारा घर में चुल बुल होगा। फिर किधर से तुम अपने घर में एक पांडे लेके आ जाना, फिर तुम्हारा घर में चुलबुल पांडे होगा, फिर तुम्हारा घर में दबंग होगा, फिर जिंदगी भर हुड़ 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 तुम करते रहना, ठीक है? ये बात भी ठीक है। वैसे भी और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है, पेट बुल जाऊं मुझे, समझा? चलो मैं फोन काट रहा हूं। अच्छा करने के आया तू इधर? मैं सर आपको बता रहा है, मैं जिधर से है लंदन से, उधर का जो क्वीन है रानी एलिजाबेथ, वो बैठ बैठ के थक गया है। उनको अपना लाइफ में कुछ रोमांस चाहिए, तो मैं बादशाह जी आपके लिए मैं अपना रानी का वो लेके आया। वो क्या क्या बोलता है यार, जिसके बाद लड़का लड़की अपने आप को कमरा में बंद कर देता है, कुंडी लगा देता है, दूध वूध पीता है और अंदर किसी को आने नहीं देता है। शादी? शादी? मैं शादी का रिश्ता आपके लिए, क्वीन का शादी का रिश्ता लेके आया है। She's दादी, not शादी। वो आपका दीवानी है, आपके कहने पे तो वो भैंस भी चढ़ाती है। भैंस क्यों? क्यों? क्योंकि उनको डांस नहीं आता है ना, और ये बोले हैं जिनको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चढ़ाए। और आपके कहने पे वो रोज अकड़ बकड़ भी करता है, रोज करता है, इतना अकड़ बकड़ उन्हें किया कि अब तो उनका बकड़ सूझ गया है। बहुत दीवाना है आपकी। एक बार आप उनसे शादी कर लिया ना, फिर आपको हनीमून का भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? वो पहले ही 3-4 बार जा चुकी है, उनको आता है। तो बताइए आपकी तरफ से ये रिश्ता, मैं ये एक कपड़ा को ऐसा फोल्ड करते, क्या बोलते उसको, तय? हाँ तय, समझू? नहीं, आप अपना टाइम लो, कोई टेंशन ना है। देखो कपड़ा तय करने में इतना टाइम लगता है, आपको तो पूरा जीवन तय करने का है। टेक योर टाइम। बट सोनाक्षी जी, मैं आपको भी मायूस नहीं करेगा। मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं आपके लिए एक कमाल का NRI लड़का का रिश्ता लाया है। कहाँ है लड़का? तुम पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो। किधर है? तुम पीछे देखते रहो यार, लड़का इधर है। मैं आपको बता रहा हूं, तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो, मेरे इतने बुरे दिन आ गए। लेकिन आप भी अपना टाइम लो, मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा, टाइम ले, लाइफ का डिसीजन है। आप क्वीन के बारे में सोचो, आप मेरे बारे में सोच सकते हैं तो सोचो। तेरे लिए मैंने एक चीज मंगवाई है। क्या? धक्के खाएगा? लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताएं, लंदन में मेरा प्रोफेशन, आई एम ए जोशी टी देयर। जोशी टी? जोशी टी नहीं, ज्योतिषी। हाँ वही वही, फ्यूचर बताता है। फ्यूचर? मैं तो अभी वर्ल्ड कप चालू हुआ ना, चालू होने के पहले मैं बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता नहीं। देखो मेरा काम बताना है, जीतना उनका काम। नहीं लेकिन मैं सीरियसली आपको बताया, आपको बुमराह मालूम है? बुमराह? हाँ। मेरे से मिलने से पहले वो सिर्फ बूम था, उसको रा मैंने दिखाया, तब जाके वो बुमराह बना है। सर मैं हाथ देखेगा आपको भविष्य बताएगा। क्या? भविष्य बताएगा। मैं क्या आपका हाथ देख, एक ए मैम पहला ये इनका मेरे को हाथ, मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाथ दिखाओ। ए ब्रो, तुम्हारा तो 5 उंगली है। तो 5 ही होते? नहीं नहीं ब्रो, हमें फोटोज देख हमेशा 3 दिखाता है ये। लवली, 5 है तो 3 क्यों दिखाते है? तुम्हारा 2 उंगली शर्मीला है क्या? दुनिया के सामने लाओ 5 उंगली यार, दिखाओ कैमरा को, डरने का नहीं। 5 उंगली दिखाओ, कुछ नहीं हो रहा है।
मैम देखोगे मेरा हाथ? ना ऐसा नहीं, मेरे को थप्पड़ से डर लगता है। भविष्य सब लोग बताते हैं, बहुत सारा जोशीटी है जो भविष्य बताता है, बहुत है जो पास्ट बताता है कि पिछला जन्म बताएगा। हाँ। आज तक आपने कोई ऐसा जोशीटी देखा है तो वर्तमान बताए, प्रेजेंट मैं करता है वो। आप हाथ दिखाइए। ओके नो नो ओके नो, आप इस वक्त कपूर शर्मा शो में बैठ के अपना हाथ मुझे दिखा रहा है। वाओ, ये वर्तमान है, प्रेजेंट। वाह, ये जो तुमने बात की है, लोहे का मुक्का मरवाऊंगा तेरे पेट पे। कितना फालतू बात किया है। अरे क्या, मैं कौन बताता है यार, मैं जोशीटी कमाल का है। आप कभी लंदन आओ, मैं आप सबको बोल रहा है, आप सब प्लीज लंदन आइए, मैं एक एक करके सबके घर पे रुकेगा। ऐसे मेरा एक आध साल निकल जाएगा, आप हर साल आएगा तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा। आ जाओ, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा, बादशाह ने पहली बार सुना कि रैप जो लिखा था अपने मैथ टीचर के लिए लिखा था। भाजी क्यों लिखा था आपने? आपको मैथ में कमजोर था कि मैथ वाली टीचर ठीक थी? वो बहुत ना परेशान करता था बच्चों को। अच्छा, फालतू में मतलब आदमी था? हाँ, मतलब जानबूझ के ना ऐसे ही, मतलब जो उससे ट्यूशन पढ़ता था वो ठीक था। हाँ। जो उससे ट्यूशन नहीं पढ़ता था उसको परेशान करता। बड़ी गंदी बात है यार। हाँ, स्कूल में फेल कर देता होता है। तो मैंने रैप लिखा भाजी, तो वो रैप तो बहुत आगे चला गया, मैं क्लास में ही रह गया। सोनाक्षी ने ना एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी काम किया हुआ है, बहुत टैलेंटेड है। सोनाक्षी, आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से 5 हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? 5 नहीं, 2-3 बोल देती हूँ। 3 बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते वो ही पहन सकते हैं, और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल। रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। हाँ, तो मैं बोल रही हूं, मतलब जो भी पहनता है वो कैरी बहुत अच्छे से करता है। और वो सिर्फ बंदा भी पहन के आ जाए ना, वो भी कैरी कर लेगा। और वो ही कर सकता है, तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना इंडिविजुअल स्टाइल एक। उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा। हाँ। उनका स्टाइल बहुत अच्छा। अक्षय भाई जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन चुन के, चुन चुन। हाँ, के फॉर्मल से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के ऐसे ऐसे कर रहे थे। अरे भाई, तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं, है ना? एक्टिव ही रहते हैं कि कभी कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको। मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें वाखे मलता है, वो ऐसे उठते होंगे चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है उनमें। पर आई लव यू अक्षय भाजी। और तीसरे? और तीसरे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहने अच्छा लगता है। कुछ भी बना दो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? नहीं सुना। पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है, जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे। और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक। हाँ। उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना, जो बच्चा मोटा हो गया उसके पीछे से पैंट खोल दी, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोल दी। तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा, फिल्म में तो खानदानी शफाखाना है जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। सोनाक्षी, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज। Oh, yes. कौन कौन है जिनकी प्रॉब्लम्स है? ओह कम ऑन बेब्स, कर ली है। हाउ आर यू? गुड। हाय सर, आई एम गुड। हेलो मैम। हाय। इंग्लिश पता था? हाय। मेरा ब्रेकअप हो गया रिसेंटली। ओह वाओ, आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं? ये तो सलूशन है। ये तो सलूशन है। ये प्रॉब्लम थोड़ी है। मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? अर्शिया। बड़ा प्यारा नाम है आपका। थैंक यू सर। कहाँ से आई आप? चंडीगढ़ से। अच्छा। मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है। आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है, मैम भी बहुत अच्छे हैं।
वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए. कोई मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक. अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से. समझ नहीं आया मेरी बेइज्जती हो रही है. पता नहीं. नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर. आप बहुत ज्यादा क्यूट हो. गोलू मोलू टाइप्स. टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो. मैं और लाल नहीं हो सकता. तो ब्रेकअप क्यों हुआ आर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में. अच्छा. इसलिए मैंने बोला सिंगल. वेरी नाइस. या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है. आप दे सकते हो. मेरी एक प्रॉब्लम है. शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही. शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए. आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा. पर मैं करना चाहता हूँ. I'm just kidding. इस लाइन को 6 बार चलाया जाए तो मुझे बचा लो. मेरे मुंह से बातें निकल जाती है फिर मुझे भुगतनी पड़ती है. मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था. कृपया मुझे माफ करें. अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में. तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में. हाँ. तो उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा. मैं ढूंढ देता हूँ कोई. ढूंढ देंगे आप? पक्का. अपने तो जैसा. मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा. रिप्लाई करेंगे. आप इधर आइए बादशाह आपको उसका हल बताते हैं. साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू नो हगिंग हेल्प्स. जादू के जप्पे. हाय अर्शिया. हाय हाउ आर यू? हाउ आर यू? थैंक यू अर्शिया. थैंक यू सो मच सर. एंड ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी वाइट जैकेट कम ऑन ब्रो. सर मेरा नाम नरेश परदेसी है. परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर. अच्छा. सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है. क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता उतना चिपकली से डर लगता है. वो मेरे सपने में भी आती है. पहला जवान आदमी देखा मैंने जिसके सपने में चिपकली आती है. वो तो कुछ कहती नहीं है चिपकली तो किसी को भी. एक्चुअली आप देखना कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके कितनी देर खड़ी रहती है फिर कोई आवाज आती है फिर कर दी फिर आधा घंटा बैठी रहती है फिर थोड़ी देर बाद वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती. मैंने देखी कुछ नहीं कहती. तो फिर तो सर इसका इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? मोर पंखी रख लो चिपकली नहीं आती. सच्ची नहीं आती बाजी उससे? कहते तो है. कहते हैं. मैंने भी मेरे को बड़ा डर लगता है चिपकली से. इतना बड़ा बादशाह. लो जी राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के. आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर. आपको देख के आती है. आपको डर नहीं लगता चिपकली से? डर नहीं लगता मुझे पर ज्यादा मेरे को इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं होते. चलिए परदेसी जी शुक्रिया आपका शो में आने के लिए. धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो कपिल सर. हेलो हेलो नासी मैम. हेलो. बंदे 4 हैं 6 हेलो किया आपने. दो एक्स्ट्रा कर दिए आपने. हेलो हेलो. हाँ जी हाँ जी. क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है. सुमन ठाकुरी. सुमन तुम कहाँ से आई हो? कहाँ से आए हो? नेपाल से. आई लव नेपाल. बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप. जी सुमन. सर मेरा मुझे पसंद है इमली. और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो? इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे. तो हमारे तो खैर सब चलता है. हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं. अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं? सोचे बादशाह आए कैसे यहाँ पर. हमारी फिल्म आ रही है. हमका इंटरव्यू
शुभोय बादशाह। अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है सुमन। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, रमेश से शादी हो जाएगी। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को। सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल। थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं। थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे, पर एक हादसा मतलब बहुत ज्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज्यादा। जी। अकेली बिल्कुल रहती थी तो उन दिनों मेरी ननन जयपुर में, उनकी दो बेटी आई हुई आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी और भले ही आंखों में आंसू होते थे पर मैं हंसती थी। थैंक यू मैम, हमेशा खुश रहिए आप। हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं पर कहते हैं कि यही इसी का नाम जिंदगी है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव है, सैल्यूट है आपको और आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। धन्यवाद। मैं सच्ची बोलूं, बहुत लोग के साथ में नाची इधर। मेरे को हमेशा लार्ज और मीडियम ही मिलते हैं, आज पहली बार एक्सेल को एक्सेल मिले ले। अजय सोनाक्षी, मेरे को बात पूछना था। पूछो। बैठी ना। आपके डैडी बोले तीसरे बादशाह हम हैं। हाँ। तो पहले बादशाह बीच वाला कौन है? शाहरुख खान। अच्छा हाँ वो भी। हाँ। लेकिन कितना मस्त लग रहा है ना, इधर ये सुपरस्टार आए, इनके डैडी बादशाह, इधर भी बादशाह, उधर भी बादशाह। कैसे आप? ठीक है। उसमें आप डॉक्टर का रोल किए ना, मैं इनको टीका लगा दूं? क्यों, उनको टीका क्यों लगा रही है? अच्छा डॉक्टर हमको टीका लगा सकते, हम डॉक्टर लोग को टीका नहीं लगा सकते, किधर का रिवाज है? अच्छा मेरे को एक काम था आपसे। हाँ जी। दबंग पिक्चर में मेरे को नौकरी दिलवाओ ना। दबंग फिल्म है, सरकारी नौकरी थोड़ी है। तेरे को मालूम है सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहता कि रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन दबंग फिल्म हमेशा आती रहेगी। है कि नहीं? आप तीसरी बारी कर रहे हैं ना, देखना 100 आएगी। थैंक। मेरी नौकरी का तो भरोसा नहीं, आपकी नौकरी तो पक्की है। मैं आप लोग का एक दिल से बात बोलूं, आपको मालूम है दबंग पिक्चर से रज्जो पांडे और हमारे इधर से ड्रम वाले पांडे को कोई भी नहीं निकाल सकते। अब वो पांडे कहां से आ गया? दोस्ती में आया होगा, इधर कौन सा टैलेंट में आते तेरे दोस्त? सब इसके दोस्त लोग आते रहते, मालूम है कोई ढाबा खोले लाए, कोई किधर। फैमिली इसकी यहाँ बैठी है, जीजा पीछे खड़ा है, सबने घेर के रखे ला इसको। कैसे आप? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है, मेरे को आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ऐसा करते हैं ना आप हर गाने में। अच्छा आपको कोई रास्ता पूछता है तो भी ऐसे दिखाते हैं क्या? वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से जाने के इधर से जाने के बीच में खड़े रहने। सपना ये उंगली ऐसे जो करते हैं, इनका स्टाइल है। तेरा तो स्टाइल नहीं ना, तू कहे को उंगली करता है मेरे को। हमेशा इसका बहुत आदत। अच्छा मेरे को आपको चश्मे का भी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। मेरा छावा है ना मुकेश नाला सुपर में। छावा क्या होता है? छावा मेरा छावा मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड को छावा बोलते हैं। हाँ वो भी ऐसा चश्मा पहनता है, डे एंड नाइट पहन के घूमता है वो भी। फैन है इनका? नहीं नहीं वेल्डिंग का काम है उसका। पहनो ना अच्छा लगता है। मैं आपको एक सजेशन दूं, आप जुआ खेलो कभी भी नहीं हारोगे। वो कैसे? क्योंकि इनके पास बादशाह है। अच्छा मेरे को एक और बात पूछना था सर, ये आपका गाना आया है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल चुल, ये चुल क्या है? खुजली चुल, मतलब जैसे अब तुम्हें चुल हो रही है चुल जानने की। अच्छा सर खुजली को बोलते हैं चुल? हाँ ये तो बहुत प्यार में खुजली है चुल। क्या बात कर, मैं तो कुछ और ही सोच के बैठी थी। अरे मैंने तो नाला सुपर में एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि मैं एक हफ्ते के लिए चुल करने जा रही हूँ।
कपू ये चुल तो बहुत सिंपल है रे। एक आया का मैं क्या क्या सोच के बैठी हूँ। क्या फालतू की बातें कर रही है सपना? अच्छा मैं फालतू की बात कर रही है तो तू फालतू की बात नहीं करता, तेरा मैं चुगली लगाएगी तो रुक। क्या सोनाक्षी मेरे को आपको बोलने, आप जब जब इधर नहीं आते ना ये शत्रु जी की मिमिक्री करता है ऐसा ऐसा करके। हाँ देखा है वो तो। हाँ, बधाई के लल्ला है ना। हाँ। मैं कम करती है तो उछल उछल के करता है जम मार मार के। तू यहाँ चुगली करने आई है? नहीं चुगली नहीं करने आई, मेरे को ना एक प्रॉब्लम। पर डॉक्टर तो मैं हूँ। अच्छा डॉक्टर आऊँ? सॉरी सॉरी। आराम से बैठो कोई चक्कर नहीं। चेक कराओ ये वेल्डिंग वाला चश्मा मस्त है। क्या क्या प्रॉब्लम? मेरा छावा है ना उधर, वो बहुत कमजोर हो गए ले। अच्छा। तो लिफ्ट में भी थक जाता है वो। लिफ्ट में कौन थकता है? तू एक बार 20 माले की बिल्डिंग का लिफ्ट साफ करके तो देख, तू भी थक जाएगा। अच्छा कवर किया ना मैंने। मुकेश को छोड़ना अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो तू अपनी बता। हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम है। मेरा क्या, मैं इधर डांस में एंट्री लेती है ना तो पता नहीं इधर आती है ना मेरे को थोड़ा सा इधर ऐसे जलन सा होता है। एसिडिटी? नहीं नहीं कैसिडिटी का प्रॉब्लम है। हाँ मेरे से तो ज़्यादा पैसा कमाए ना उसको देख के मेरे को जलन होती है। हमेशा अपने बारे में बोलती रहती है, ये नहीं मेहमान आए उनके बारे में बातें कर कोई। कौन मेहमान? अरे बादशाह है सोनाक्षी। ये काहे का मेहमान है? अरे तू सोनाक्षी को बहन बोलता है ना, पर मैं तेरी बहन हूँ। शत्रु जी को मैं अंकल बोलती हूँ, मेरे को कितना प्यार करते है बता। तो हम तो फैमिली हुए, गेस्ट किधर? बादशाह गेस्ट है फिर। ये तो पंजाबी है, गेस्ट किधर है? और उधर पंजाब पिंड के भाई बोलते हैं ना। तो गेस्ट किधर? 60 एपिसोड के हो गए, तेरा तो दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया तेरे को कपू? गेस्ट मिस नहीं रही। मैं शो पे इतनी बार आ चुकी हूँ, अब मैं गेस्ट नहीं रही। हाँ बिल्कुल। अरे हम तो सब प्यार भी करते, आपको फैन भी है। मैं तो बहुत अच्छी, मैं तो आपको वो गाना बहुत पसंद आया मेरे को, मोगड़ा। मोगड़ा नहीं मुंगड़ा। नहीं नहीं मोगड़ा मेरे ससुर का नाम है, मोगड़ा। तो तेरी तो शादी नहीं हुई? हाँ तो मोगड़ा की भी शादी किधर हुई? तो फिर मुकेश कहाँ से आया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को? सर मैं क्या बोलती है? क्या बोलती है तू? इतने सालों से सर आप मस्त लाइव शो कर रहे हैं, इतना पैसा वैसा भी कमा रहे हैं, अब तो हीरो भी बन गए, तो एक पहिया दो ना मेरे को। पहिया? पहिया? पहले तो 1 करोड़ मांगती थी। अरे तो उनकी गाड़ी देखिए, 6.5 करोड़ रुपए का गाड़ी खरीद ला इन्होंने। तो एक पहिया तो 1 करोड़ से ऊपर ही चलेगा। हाँ। तेरे को मालूम है वो गाड़ी का अगर पंचर ऐसा खराब हो जाए ना तो कितना पैसा लगता है? कितना? दूसरी गाड़ी का जो खराब हो जाए सेम उतना ही लगता है। तो ये तो सेम ही बात हुई है कि हाँ, तो पंचर ही होता है ना। क्या हो गया है तेरे को? पंचर कैसे होता है इसको बताए, कील से होता है ना। हाँ, है ना। हाँ। और कील और वकील एक जैसे रहते, कील तो फिर भी निकल जाता है, वकील जिंदगी से कभी भी नहीं जाता। अब ये वकील कहाँ से आ गया? वकील वही मेरा ससुर मोगड़ा, वो वकील है। तो वकील यहाँ पे कैसे आ गया? नाला सोपारा से। क्या हो गया तेरे को? तबीयत ठीक है ना तेरा? सोनी टीवी से चेक बरोबर आ रहे ना तेरे को? क्या बोले जा रहे? बाप रे कुछ हो गया मेरे कप्पू को। खैर जो भी, अभी मैं धंधे का बात करेगी। सर आई हैव ब्यूटी पार्लर मैम, लिखन पर ऐसा छोटा मोटा नहीं, शाहरुख सलमान आमिर करीना ये सब मेरे को मुंह पे ना बोल चुके। सर अलग अलग टाइप का मसाज है आपके लिए, डीजे वाले बाबू मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और तेल लगा के डीजे के टेबल पे लिटा देते हैं। फिर क्या, बाबू आता है और तब तक मसाज करता है जब तक कस्टमर का गाना ना निकल जाए। ऐसा रहता है। एक और स्पेशल मसाज है आपके लिए, बादशाह मसाज। इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल नहीं लगाते, पत्ते में पाउडर लगाते हैं और फिर ऐसा पत्ता खेलते हैं। अगर कस्टमर को बादशाह आ गया तो उसका मसाज कर देते हैं, और जिसका बादशाह नहीं आता, नहीं आता उसके साथ पत्ते खेलते हैं। हम लोग टाइम पास पूरा रहते हैं कस्टमर के साथ। नहीं सर, नहीं सर, हमारा दूसरा ड्राई डे मसाज है। हाँ। ड्राई डे गाना खेला था ना आपने, उसमें का तो उसमें कस्टमर आता है, हम बोलते हैं आज नहीं कल मिलेगा। तो फिर वो अपने दोस्त को फोन करते हैं, तेरे घर पे है क्या? वो बोलते हैं हमारे पास भी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम, शेट्टी बाणानी रेस्टोरेंट रहते हैं ना,
उसके पीछे से जाते हैं, 100 रुपए देते हैं और उसका पौवा ले लेते हैं। तो इसमें मसाज कहाँ है? पीने के टाइम पे कहाँ मसाज करता है आदमी? क्या बात कर रहे थे? हम लोग ऐसे नहीं रहते। फिर आपका फेमस गाना आया था पों 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 ऐसा, तो पों 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 मसाज है हम लोग। इसमें क्या होता है? मुझे नहीं जानना है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है। नहीं नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है बताओ? इसमें ना दो पों आते हैं। ओके, तो हम इधर वाले से पूछते तेरा पों था कि तेरा पों था। तो फिर क्या होता है? क्या होता है? Nobody is ready to accept के पों किसका है। फिर हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। फिर कस्टमर के पों पे तेल लगाते हैं और ये मसाज 12:15 तक करते हैं हम लोग। ऐसा पों का वर्ड प्ले किया है हम लोग। हाँ चलती है, मेरे को ना बहुत जल्दी है, मुझे लारा का दत्ता मसाज करने जाना है। ओके बाय। एक बार बादशाह और सोनाक्षी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आओ बाजी। थैंक यू। आइए अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। रचना जी हमारी फोटो लेंगे। हाँ जी। वाह क्या तस्वीर। थैंक यू रचना जी, आप भी आइए। क्या बात है, आइए। थैंक यू। सो थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू बादशाह हमारे शो में आने के लिए, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू।